ये देखिए दोस्तों, यह है टर्माइट नेस्ट जिसके अंदर लाखों दीमक आपको मिलेंगी। मैं आपको इसको तोड़कर दिखाता हूँ। ये देखिए आप, कितनी दीमक है इसके अंदर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम लोग आए हैं 10th फ्लोर पे इस बिल्डिंग के अंदर टर्माइट ट्रीटमेंट करने के लिए, और यहाँ कितनी बुरी हालत टर्माइट ने की हुई है सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस चौखट से दीमक स्टार्ट हुई थी। ये बाथरूम की चौखट है, और फिर बाथरूम के साथ अटैच जो दीवार के साथ ये अलमीरा रखी है, फिर इसके अंदर फैलना शुरू हो गई। और ये देखिए ड्रॉ में नीचे देख रहे हैं आप, जो दीमक की लाइन नज़र आ रही है ये आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है, लेकिन इस अलमीरा के पीछे आपको बहुत सारी दीमक मिलेगी। इस बेड को देखिए, देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन इस बेड के अंदर आप देखिए, इसमें दीमक ने बुरी तरह से इसको ख़राब कर दिया है, डैमेज कर दिया है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं टर्माइट नेस्ट है, इसमें लाखों के करीब दीमक है। चलो आज इस नेस्ट को आपको तोड़ के दिखाते हैं कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा दीमक है, लाखों करोड़ों दीमक इसके अंदर मिलेंगी। ये देखिए आप, इसके अंदर दीमक ही दीमक है, आधा तोड़ा है अभी हमने, इसको पूरा तोड़ के दिखाते हैं। ये देखो आप क्या सिचुएशन है इसकी यहाँ पे। ये देखिए आप, देख रहे हो कितनी दीमक है इसमें, आपको हर तरह की दीमक मिलेगी, सोल्जर टर्माइट और इसके अलावा वर्कर टर्माइट, एलेटेड टर्माइट तो इसके अंदर नहीं है, उसके पंख होते हैं एलेटेड टर्माइट के, वो इसके अंदर नहीं है, बाकी वर्कर और सोल्जर दोनों टर्माइटें इसके अंदर घूम रही हैं। देख रहे हो आप कितनी बुरी हालत है, और यही हालत बेड के पीछे की है। ये देखिए आप, जो सरहाना है इसको भी खोखला बना दिया है। ये देखिए दीमक कितनी घूम रही है यहाँ पे, और जिसे जैसे ही सरहाना हटाएंगे हम, उसके पीछे की जो दीवार है उसके अंदर भी इतनी दीमक मिलेगी, तो पूरा घर डैमेज कर दिया है। यही हाल जो है किचन का है। ये देखिए आप, लकड़ी को दीमक चॉकलेट की तरह खा गई है, जैसे हम चॉकलेट खा कर रेपर फेंक देते हैं, उसी तरह लकड़ी का को खा करके केवल रेपर रेपर फेंक दिया है, बिल्कुल ख़त्म है, डैमेज है सब कुछ। अब अगर टर्माइट ट्रीटमेंट कराए बिना यहाँ पर नया लकड़ी का काम करा दिया जाए तो दीमक उसको भी ख़राब कर देगी, क्योंकि दीमक की कॉलोनी दीवारों के अंदर है, और जैसे ही आप नया लकड़ी का काम कराएंगे तो दीमक उस पर भी अटैक कर देगी। ओ माय गॉड, देखा दोस्तों आपने कितनी बुरी हालत इस घर की दीमक ने कर दी है, चारों तरफ दीमक ही दीमक है। और आज से एक साल पहले एक बाथरूम की दीवार से दीमक स्टार्ट हुई थी चौखट से, और धीरे धीरे करके पूरे घर के अंदर फैल गई, लाखों रुपए की लकड़ी खराब कर दी। तो सलाह मेरी यही है दोस्तों, अगर आपको कभी भी अपने घर के अंदर दीमक नजर आए तो एडवांस में पूरे घर का टर्माइट ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस चौखट में है तो मैं इसी का ट्रीटमेंट करा लूँ। और ये ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी जगहों पर होल्स करेंगे। होल्स करने के लिए हम ले रहे हैं हैमर ड्रिल मशीन बोस कंपनी की, और 8 से 10 mm मोटी और 6 से 7 इंच लंबी ड्रिल बिट, जिससे कि गहरे और लंबे होल हों। चलिए शुरू करते हैं। होल्स हमेशा 45 डिग्री के एंगल से करना चाहिए, और चौखट विंडो के जॉइंट्स पर जहाँ पे दीवार मिलती है चौखट से, उन जगहों पर होल करने चाहिए, ऐसी विंडो के आसपास करने चाहिए। दीवारों में होल्स हमेशा टाइल की स्कर्टिंग के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टाइल में होल करेंगे तो टाइल टूटने का खतरा बना रहता है, और जो छेद आप वहाँ करते हैं उसका स्पॉट हमेशा नज़र आएगा। वहीं अगर आप दीवारों में होल करते हैं तो वो छेद पेंट के अंदर दब जाता है, दिखाई नहीं देता फ्यूचर में। और 45 डिग्री के एंगल पर छेद इसलिए करना चाहिए, उसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब आप उसमें केमिकल डालते हैं तो केमिकल आसपास के एरिया में अच्छे से चला जाता है, और एक अच्छा बैरियर तैयार होता है जिसको दीमक कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। दीवारों के अंदर होल्स करते टाइम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दो होल्स के बीच में 1 फीट से ज्यादा गैप ना हो। ऐसे ही हम अलमीराओं में और किचन कैबिनेट में अंदर की तरफ होल करेंगे, क्योंकि दीमक हमेशा लकड़ी में पीछे की तरफ ज़्यादा होती है और दीवारों के अंदर होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जिस दीवार पर अलमीरा बनी होती है उस दीवार के अंदर भी और अलमीराओं में से भी अंदर की तरफ से होल करना ज़रूरी होता है, जिससे ही केमिकल हमारा अच्छे से बैक साइड में चला जाए और वहाँ पर जो दीमक है उसको ख़त्म कर दे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था।
होल्स का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम सभी जगहों पर केमिकल डालना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम FMC कंपनी का पैक्सटोन पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर इमिडा क्लोप्रेट होता है 30.5% SC। आप चाहें तो बायर कंपनी का प्रीमाइस भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर भी सेम ही पेस्टिसाइड होता है, और ये दोनों ही कंपनियाँ इंटरनेशनल हैं तो ये क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन करती हैं। अगर आपको ये दोनों पेस्टिसाइड ना मिलें तो आप टाटा कंपनी का टर्मैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर भी सेम ही पेस्टिसाइड है, चूँकि टाटा का प्रोडक्ट है तो क्वालिटी अच्छी ही मेंटेन करते हैं टाटा वाले भी। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहें तो बायर कंपनी का एजेंडा भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर फिप्रोनिल होता है। तो इनमें से जो भी पेस्टिसाइड आपको मिल जाएं वो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये सभी पेस्टिसाइड नॉन रिपेलेंट पेस्टिसाइड होते हैं, जो कि डोमिनो इफेक्ट पे काम करते हैं। ये दीमक को ऑन द स्पॉट नहीं मारते, ये दीमक को मारने में 15-16 दिन का टाइम ले लेते हैं। सबसे पहले ये दीमक में फैलना शुरू करते हैं, एक दीमक से दूसरी दीमक, दूसरी से तीसरी, इस तरह करके पूरी कॉलोनी के अंदर फैल जाते हैं। फिर ये पूरी कॉलोनी के दीमकों के नर्वस सिस्टम पर अटैक कर दे हैं, जिससे कि पूरी कॉलोनी ख़त्म हो जाती है। तो इस काम में 15-16 दिन का टाइम भी लग जाता है, और अगर कॉलोनी बहुत बड़ी है तो हो सकता है 20-25 दिन भी लग जाएं। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा अगर आप एक बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं। तो अगर आप वहीं पर ही रिपेलेंट पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं दोस्तों, तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि वो दीमक को ऑन द स्पॉट ख़त्म कर देता है, जिससे नुकसान यह होता है कि दीमक की कॉलोनी ख़त्म नहीं हो पाती आपके घर से, और जैसे ही केमिकल का असर ख़त्म होता है आपके घर से, फिर वो दोबारा से अटैक कर देती है। तो अगर आप चाहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन दीमक का, और आप चाहते हैं कि 4-5 साल तक आपके घर में इस तरह की कोई भी समस्या ना आए, तो सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड है जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा कोई और पेस्टिसाइड आपको अपने घर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और दोस्तों, पेस्टिसाइड डालते टाइम आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम एक होल में 300 से 400 ml सॉल्यूशन जरूर जाए। अगर 300-400 ml सॉल्यूशन एक होल में नहीं जा रहा है, तो उसमें आप फिर 3-4 बार दोबारा रिपीट कर दें, यानी 3-4 बार और डाल दें केमिकल। ठीक है ना दोस्तों, ये तरीका है केमिकल डालने का। नॉन रिपेलेंट पेस्टिसाइड की एक पहचान है कि उनके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, यानी कि टोटल ऑडरलेस होते हैं। वहीं पर अगर आप रिपेलेंट पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उनके अंदर बहुत ही भयंकर स्मेल आती है, और ये हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान भी देते हैं, और महीनों आपके घर के अंदर इसकी स्मेल भी बनी रहती है। चलिए मैं आपको अब रिपेलेंट पेस्टिसाइड बता देता हूँ जिन्हें आपको अपने घर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। एक तो है क्लोरोपाइरिफॉस, जो कि आपको लीथल और एल्ड्रिन बहुत सारे और दूसरे नामों से मार्केट में मिल जाएगा, और दूसरा है बाइफेंथ्रीन, जो मार्केट में आपको बाइफ्लेक्स के नाम से मिल जाएगा। तो ये रिपेलेंट पेस्टिसाइड हैं जिन्हें आपको अपने घर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। नॉन रिपेलेंट पेस्टिसाइड दीवारों के अंदर 4-5 साल तक बने रहते हैं, यानी 4-5 साल तक आपको दोबारा टर्माइट ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको अपने घर को सीलन से बचा के रखना है, यानी डैम्पनेस से बचा के रखना है, क्योंकि डैम्पनेस की वजह से केमिकल ख़राब हो जाता है। दोस्तों, सभी नॉन रिपेलेंट पेस्टिसाइड के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ पे जाके इनके करंट रेट चेक कर सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। हमारा केमिकल डालने का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, अब हम इन सभी होल्स को वाइट सीमेंट से भर देंगे। वाइट सीमेंट को दोस्तों हमने केमिकल के अंदर यानी सोल्यूशन के अंदर मिक्स करके रेडी किया है, और अब इन सभी होल्स के अंदर हम इस वाइट सीमेंट की बत्ती बना करके डाल देंगे, और कम से कम बत्ती 1 इंच अंदर तो जानी चाहिए, देखिए इस तरह से, जिससे कि अंदर तक चली जाए और फिर ये वाइट सीमेंट छूटे ना यहाँ से, यानी चारों तरफ का एरिया अच्छे से कवर कर ले। तो इस तरीके से वाइट सीमेंट लगाना है। इस तरह से वाइट सीमेंट लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये दीवार के साथ बिल्कुल मैच कर जाता है, होल बिल्कुल भर जाता है, तो बिल्कुल भी होल आपको नज़र नहीं आएंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं होल नज़र नहीं आ रहे हैं। और सूखने के बाद यहाँ पर कपड़ा मार दोगे तो ये धूल मट्टी हट जाएगी, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। और इसी तरीके से हम जो है अलमीराओं के अंदर भी सभी होल्स को भर देंगे। तो दोस्तों, ये तरीका है टर्माइट ट्रीटमेंट करने का। अगर ये ट्रीटमेंट आप खुद करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मैंने सभी पेस्टिसाइड के लिंक दे दिए हैं, वहां पे जाके आप इनके करंट रेट चेक कर सकते हैं और अमेजोन से इनको आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि ट्रीटमेंट खुद ना करें, क्योंकि आप ट्रेंड नहीं है, और अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए तो आपके 3-4 हज़ार रुपये खराब हो जाएंगे। तो सलाह मेरी यही रहेगी दोस्तों कि आप जिस सिटी में भी रहते हैं, उस सिटी में कोई अच्छा पेस्ट कंट्रोल करने वाला हो, जिसके पास गवर्नमेंट लाइसेंस हो, गवर्नमेंट ट्रेनिंग हो,
उसी के थ्रू ये ट्रीटमेंट कराएं, जिससे कि ट्रीटमेंट एक बार में अच्छे से हो और आपका नुकसान भी ना हो। और अगर ये ट्रीटमेंट आप हमसे कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारी टीम को बुला सकते हैं और हम आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और इस ट्रीटमेंट के साथ में हम 2 साल की गारंटी भी देते हैं कि अगर 2 साल के अंदर कोई दिक्कत आती है तो हमारी तरफ से सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है उन्हें इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, उनके घर में टर्माइट हो, तो वो अपने घर में इस तरीके से टर्माइट ट्रीटमेंट करा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।